ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम परब्रह्म पूर्ण है और कार्य ब्रह्म भी पूर्ण है। पूर्ण से ही पूर्ण ब्रह्म की उत्पत्ति है। प्रलय काल में पूर्ण का पूर्णत्व लेकर स्वयं में लीन करके पूर्ण परब्रह्म ही बचा रहता है। हम सब के जीवन में त्रिविध ताप की शांति हो। उस पूर्ण ब्रह्म को मैं नमस्कार करता, स्वयं को आत्म समर्पित करता हूँ। आप हमारे जीवन को सत्य की ओर, पूर्ण परब्रह्म की ओर ले चलें। हम सबका समग्र जीवन आप में समाहित है, इसका ज्ञान कराने की कृपा करें। हे प्रभु, इस जगत में जो कुछ स्थावर जंगम संसार, वह सब आपके द्वारा आच्छादनीय है। उस सब को भगवत स्वरूप समझने की शक्ति एवं ज्ञान प्रदान करने की कृपा करें। शिवम सत्यम जगत मिथ्यम, इसको जानने में हे मेरे पिता परमेश्वर, मेरी आप मदद करें। हे मेरे योगेश्वर, मुझे आप अपना ऐसा साधक बनाइए जो संपूर्ण भूतों को आत्मा में देखता, जगत का सभी कुछ में आत्मा का ही दर्शन करता है। परमात्मा में सब कुछ है, सब कुछ में परमात्मा है, ऐसा मुझे गहरे तल से अनुभव कराने में मेरी सहायता करें। जो सभी को अपना जानता है और अपने को सभी में जानता है, ऐसे आत्मदर्शन से मेरे जीवन को सराबोर करने की कृपा करें। हे पिता परमेश्वर, जब आपकी कृपा से मैं ऐसे एकत्व भाव को प्राप्त कर लेता हूँ, फिर मनुष्य बंधन मुक्त शोक मोह से मुक्त हो जाता है। आपकी कृपा एवं आशीर्वाद से ही मनुष्य अनंत जीवन को प्राप्त कर सकता है। हे भगवन, आप सभी ज्ञान और कर्म को जानने वाले हैं। मेरे इस जीवन के एवं पिछले जन्मों के पाखंड पूर्ण पापों को आप नष्ट करें और अपने स्वरूप का ज्ञान कराएं। हम आपको अनेकों नमस्कार करते हैं। हे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ, आप मेरी आध्यात्मिक आंखें खोलें, आप अपने सभी मार्ग मुझ पर प्रकट करें, मैं आपकी सर्वत्र उपस्थिति से मुझे परिचित करें। मैं प्रभु आपकी अगुवाई के लिए आपको आमंत्रित करता हूं। भगवन, आपके राज्य में मेरी पहचान हो। हे प्रभु, आप मुझे बताइए कि मैं धन्य हूं। भगवन, मैं आपका बच्चा हूं, मेरे ऐसे चाल चलन हो जो आपको भाएं, आप मुझ पर प्रसन्न हो। हे मेरे परमात्मा, हे सर्वशक्तिमान, मैं सदैव आपकी छाया में रहूं। हे प्रभु, मैं सदैव आप पर भरोसा करूं, मेरा विश्वास सदैव आप पर दृढ़ रहे। मेरे जीवन की हर सफलता के लिए मुझे आप पर भरोसा है। मेरे भगवन, आप ही मेरी शरण हैं, आप ही मेरे गढ़ हैं। मैं जो भी चाह सकता हूँ और जो भी मुझे जरूरत हो सकती है, सभी कुछ आप में प्राप्त किया जाता है, आप में पाया गया है। मेरे जीवन में आपकी उपस्थिति के लिए आपको धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं अपने जीवन की अगुवाई के लिए आपको सादर आमंत्रित करता हूँ। आप मेरे जीवन को आश्रय प्रदान करते हैं। मैं अपने प्रिय पिता से प्रार्थना करता हूँ, आप मुझे अपने प्रति अटूट विश्वास से भरें। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।